अच्छा, सबसे ज्यादा वीडियो आप कहाँ शूट करते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा हम लोग यहीं पे शूट करते हैं। यही जगह जो आपको वायरल की थी? हाँ हाँ, यही जगह है। हा? एक समय था हमारा बहुत ज्यादा जो खराब था, वही स्टेशनों में रात गुजारी। वही मम्मी जो हमारे पास बर्तन नहीं थे तो मम्मी हमारी जो कंडा था, कंडे में ऐसे पाथ के, वो कंडा पाथ के, हाँ अंकरी, और पत्थर धुल के उसमें आटा माड़ा करती थी। मेरी सहेली तू जलती रहे, ओ मेरी सहेली तू जलती रहे, यूं ही मैं तुझको जलाऊंगी, और जल और भूकर और फूकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके निशाद, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का दर्शक न्यूज 24 में। दोस्तों, प्रतिदिन हम आप लोगों को तमाम अलग अलग लोगों से मिलाते रहते हैं, जिसमें कि कॉमेडियन भी होते हैं, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट करने वाले लोग होते हैं, कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं, उनसे मिलाते रहते हैं, तमाम तरह की खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं। तो आज हम फिर से बांदा जनपद में मौजूद हैं और आए हैं शकुंतला पागल के घर। शकुंतला पागल को आप लोग जानते हैं ना, इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया, शकुंतला पागल यानी कि वो पागल जो हंसा हंसा के आप लोगों को पेट फुला देती है। आइए चलते हैं घर, देखते हैं शकुंतला मिलती है कि नहीं और शकुंतला कर क्या रही है। आइए शकुंतला घर चलते हैं। ये है शकुंतला का घर और सीधा हम अंदर चलेंगे। कोई है? ये 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 मिल गई शकुंतला पागल, ये आपकी पगलिया। अरे शकुंतला पागल, कैसी हो? बहुत अच्छे। सब कह रहे थे कि ये जो शकुंतला दीदी जो है पगला गई हैं, तुम कहा चले हम हूँ देखा। सही है? हाँ सही है, पागल हो गई और क्या। आज आए हैं, हाँ। देखेंगे आपका एरिया एरिया कहाँ आप वीडियो बनाती हैं, जहाँ से आप मंत्र उन्तर फूंका करती हैं, लोग वाग आपको जो है रोस्ट कर करके खूब पैसा कमा, और वो शकुंतला दीदी हमारी कमा ही नहीं पा रही हैं। हाँ, वो व्यूज अभी उतना अच्छा नहीं आता है, तो चैनल पे व्यूज नहीं आता। हाँ नहीं उतना अच्छा। कौन सा बता, वो शकुंतला कुमारी? नहीं, शकुंतला कॉमेडियन के नाम से मेरा चैनल। शकुंतला कॉमेडियन के नाम से चैनल है? हाँ। आपका? हाँ। अच्छा, कोई डुप्लीकेट चैनल तो नहीं है? और नहीं, डुप्लीकेट नहीं है कोई। अब आपका ही है ना? हाँ मेरा है। पहले था क्या कोई डुप्लीकेट? हाँ पहले था एक, जो कि एक भैया से मतलब कह रहे थे कि हटा दो हटा लो अपना चैनल, तो नहीं हटाते थे, तो उन्होंने फिर इसके बाद हमने कहा भैया ये चैनल हटा लो या फिर हमें दे दो, तो उन्होंने हमें दिया था, तो इसके बाद वो चैनल पता नहीं क्या हो गया, जो कि यूट्यूब ने खुद डिलीट कर दिया। डिलीट? हाँ। तो व्यूज नहीं आ रहे हैं ना? व्यूज नहीं आ रहा। चलिए देख रहे हैं दर्शक, वो खूब देखेंगे आपका वीडियो और सब लोगों को दिखाएंगे। शकुंतला का वीडियो आप लोग जरूर देखें, जब आप देखेंगे तो हंसते हंसते आप लोगों को पेट फूल जाएगा, सच्ची में बता रहे हैं। क्योंकि इन दिनों शकुंतला को पूरा भारत पसंद कर रहा है, इंस्टाग्राम जो भी चला रहा है, इंस्टाग्राम तो आम बात हो गई, ऐसा कोई बंदा ही होगा जो नहीं चलाता होगा। हाँ, सब तो बुढ़ा भी चलाते हैं, बुढ़ा बुढ़िया सब लोग चलाते हैं, जवान से बूढ़े से बच्चे से लगा के सबको। तो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, शकुंतला का ब्लॉग देखिएगा। बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है, जैसा कि अब क्या बताएं, पिछली बार जब मैं आया था तो आप लोगों ने देखा ही था कि क्या माहौल था और कैसा सिचुएशन था, तो वो आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा था। शकुंतला आज चलो दीदी हमें अपना जोन दिखाओ, आप शूटिंग जोन दिखाओगी? हाँ दिखाएंगे, क्यों नहीं, चलिए आइए आइए चलते हैं, शकुंतला का शूटिंग जोन देखते हैं। आप ऊपर चल रहे हैं? हाँ, हाँ। शकुंतला दीदी? हाँ। यही वो छत है? हाँ। अरे ये चूल्हा है भैया, ये चूल्हा, यही तो मंत्र मारा करती हूँ आप? ये चूल्हा है जो कि हम लोग यहाँ पे मंत्र तंत्र करते रहते हैं। हाँ। और ये हमारी दीवार है, दिखा दीजिए सहयोगी से, कहेंगे थोड़ा सा दिखा दे अच्छे से। हाँ। ये हमारी दीवार है जो कि हम लोग यही बैकग्राउंड यूज करते हैं। एक दीवार ये है जो कि हम लोग इसको भी यूज करते रहते हैं। हाँ हाँ। और बस बाकी, और ये एक उनकी आंटी जी की घर है। हाँ। जो कि हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं उतर के, बस बस। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा वीडियो आप कहाँ शूट करती हैं? यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग यही पे शूट करते हैं। यही जगह जो आपको वायरल की थी? हाँ हाँ, यही जगह है। हाँ हाँ। और फुकनी ये वाली? हाँ ये फुकनी है, और ये चूल्हा उल्ला सब कुछ है। अब वो कुर्सियाँ कहाँ है जिसे बैठने के लिए दिए करती? वो कुर्सी तो चली गई, टूट गई। हाँ। और एक ही बस बची है जो कि रखी है। हाँ। हमें ना देना, हम उसी यार रही टूटी कुर्सी पहले से। हाँ। हम जानते हैं। हाँ। ये देख लीजिए, ये है शकुंतला बहन का वो जोन जहाँ पर ये वीडियो शूट किया करती है। हाँ। इसी स्थान पर ये छत पे
जो जितने वीडियो परोसते हैं आप लोगों के सामने यहीं से शूट किया करती हैं। ये इधर ये बैकग्राउंड इस्तेमाल करती हैं, इधर ये फुकनी वगैरह ये सब चीजें। अच्छा, कोयला वोयला इसी तवा से लगाया करती हैं का? हाँ, इसी से बनाते हैं कोयला, बन जाती हैं। हाँ, इसी से कोयला सारा लगा लेते हैं। हाँ? हाँ। अच्छा, भभूतिया लेके थोड़ा झाड़िए, कैसे कैसे झाड़ते भभूत से? हाँ, वो ऐसे झाड़ दीजिए, दर्शकों को झाड़ दीजिए। चलिए आप लोगों को भूत झरवा दे। भूत उतर गया? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? और क्या कहूँगी कि मेरा मतलब अभी उतना ज़्यादा अच्छे से चैनल चल नहीं रहा है, यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। अच्छा, लोग बाग तो बहुत आए गए आपके पास, लेकिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया कुछ? सपोर्ट पता नहीं किया कि नहीं भी किया है, किया भी है, करना चाहिए, क्योंकि अब आप आ रहे हैं। आइए चलते हैं नीचे, ऊपर बड़ी तेज धूप है, तो नीचे चलते हैं। आइए चलिए, अब चलेंगे शकुंतला बहन से नीचे बातचीत करते हैं। और आज हम फिर से इनके घर पर आए हैं, कुछ ऐसा घर है, इसे सीढ़ी से ये चलते हुए ऊपर जाती हैं और वीडियो बनाया करती हैं। शकुंतला के बारे में अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कि अब सेलिब्रिटी बन गई हैं। कैसा लग रहा है सेलिब्रिटी बनकर? सेलिब्रिटी क्या बन गए हैं, सब जितना भी है सब कुछ इन्हीं का है, और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ये लोग हैं सेलिब्रिटी जो कि ये सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि सेलिब्रिटी नहीं सिलौटी बन गई। सिलौटी? हाँ बिल्कुल, जिसमें मसाला आप लोग पीस सकते हैं। सेलिब्रिटी नहीं सिलौटी। हाँ सिलौटी। हाँ, जो देख रहे हैं वो बिलौटी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइए कि वीडियो में जब आपका वॉच टाइम ठीक ठाक नहीं आता, जब मतलब वीडियो में व्यूज अच्छे नहीं आते हैं, तो तमाम परिस्थितियां सामने, तो खर्चे वर्चे कैसे चल रहा है अभी तक? मौज है, मौज से चलता है घर हमारा, चल जाता है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत आ जाता है, कम से कम आ जाता है। आगे चल के क्या करना चाहेंगे, फिल्मों वगैरह में अगर मान लिया कॉमेडी उमेडी में, कई बड़े फिल्म में अगर रोल वोल मिलता है तो काम करना चाहेंगे? हाँ, अरे मिले तो सौभाग्य की बात है। हाँ, दौड़ के लपक के करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ हाँ, कॉमेडी कर लेंगे फिल्मों में, चाहे भोजपुरी हो या छत्तीसगढ़ी या बॉलीवुड, कोई भोजपुरी करना चाहेंगे? कर लूंगी मैं, सब में कर लूंगी। हाँ भोजपुरी आ जाएगी? हाँ। अच्छा, गानों कोशिश करूंगी, मैं बोल नहीं पाती हूँ भोजपुरी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कर लूँ। हाँ। अच्छा ये बताइए कि कुछ मान लीजिए अगर गाने होने की डिमांड हो जाए कभी, जैसे मान लीजिए फिल्म का मिल जाए कि कुछ गाए दो भैया अपने देहाती अंदाज में, जमुना हो तो। जो मतलब जो मैंने अपने आप से बनाया है, जो मुझे आता है वो मैं गा दूंगी अपना। सुनाओ। एक मेरा था वो जो सहेली वाला था। हाँ जरूर। मेरी सहेली तू जलती रहे, ओ मेरी सहेली तू जलती रहे, यूं ही मैं तुझको जलाऊंगी, और जल और भूकर और फूकर। ये मतलब कि सहेली के लिए है, मेरी सहेली जलती रहे। हाँ, हाँ। हाँ, तो और जल और फूकर। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताओ, ब्याह हुआ है वाला गाना कुछ आता है? नहीं, मुझको नहीं आता। जैसे औरतें गाती हैं? हाँ बिल्कुल नहीं आता। हाँ। अच्छा रोना आता है? रोना क्या आता है, रोना जब अपनी स्थिति है तो आ जाता कभी कभी। वो अलग हो गया, ईश्वर करे कि अब आप ना रो। लेकिन मैं उस रोने की बात कर रहा हूँ जब विदाई होती है ना, तो जब आपकी विदाई हो तो कैसे रोएंगे? हंसी आएगी, रोना नहीं आएगा। दोस्तों ये सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब बहनी की विदाई होगी तो अक्सर आप लोगों ने देखा कि जब बेटियों की विदाई होती तो रोया करते हैं। हाँ। लेकिन शकुंतला दीदी क्या करी है? हम हंसेंगे, रोएंगे नहीं, हंसाएंगी, हंसाएंगे लोगों को और हंसेंगे। हाँ। हाँ। अगर जीजा जी नहीं हंसे तो? हंसेंगे नहीं, तो कैसे नहीं हंसेंगे? हंसेंगे, सब हंसेंगे। भगवान करे वो दिन आए जब ये बातें जो आज हम हंसी हंसी मजाक में कर रहे हैं वो सारा सपना साकार हो, और ये खुद आत्मनिर्भर बने, और आप लोग सहयोग करेंगे
आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब ये भी अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी, क्योंकि इस एक अकेली बेटी के पीछे कम से कम 8-10 लोगों का भरण पोषण चल रहा है, जिसमें कि बहन के बच्चे हैं, मौसी के बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं, माँ है, इन सब लोगों का भरण पोषण चल रहा है। तो आमतौर पर दोस्तों आप लोग भगवान हैं, जिस तरह से कई लोगों का उद्धार आप लोगों ने किया है तो एक बार इस पागल का भी कर दीजिए, शकुंतला पागल है ना, शकुंतला पागल। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग जब शुरू शुरू में आप वीडियो बनाए तो बहुत सारे लोग कहे कि ये लड़की पागल है, इसको कोई पकड़ के वीडियो बनवा रहा है इससे जबरदस्ती। पता नहीं लोग है कहते हैं, लेकिन सही में पागल है, देख सकते हैं पागल ही है। और कैसे ये वेशभूषा बना लेती हैं? सब बनाना पड़ता है, सब बना लेती हूँ, कोयला उयला चपोर के ऐसे ऐसे। हाँ, सब कोयला उयला चपोर के, सब राख वाख लपेट के सब। अच्छा लोग बाग ताने मारते हैं कि नहीं? जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब लोग तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो अगल बगल आस पड़ोस या फिर नात रिश्तेदार या फिर कुछ लोग ताने मारते हैं, ये देखो ये क्या करने लगे ये। नहीं, रिश्तेदारों ने आज तक कुछ नहीं बोला है और ना ही कुछ बोलते हैं, और जहाँ तक बाहर की बात है, अपने घर की बात रही, मोहल्ले पड़ोस की बात रही, तो कभी कभी वो लोग निकल आते थे पहले वीडियो में, तो लेकिन अब नहीं निकलते, ना कुछ बोलते, कुछ नहीं कहते। जान गए कि सेलिब्रिटी बन गई, सिलौटी बन गई। सिलौटी बन गई। अच्छा और कुछ लम्हा ऐसा बताइए कि जब आपके समय में आया हो आपको बड़ी ठेस पहुँची। एक समय था हमारा बहुत ज़्यादा जो खराब था, वही स्टेशनों में रात गुजारी, वही मम्मी जो हमारे पास बर्तन नहीं थे तो मम्मी हमारी जो कंडा था, कंडे में ऐसे पाथ के, वो कंडा पाथ के, हाँ अंकरी, और पत्थर धुल के उसमें आटा माड़ा करती थी। पहले वाली दास्तां है। फिर उसके बाद जब से आप सोशल मीडिया पर कदम रखी तब आपके दिल को किसी की बात ठेस पहुँचाई हो या फिर किसी ने आपकी भावना को आहत किया हो, किसी कमेंट से आप आहत हुई हो, कोई ऐसा भी? लोग कुछ लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है। चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा करे, वो लोग कुल मिला के सपोर्ट करते हैं मेरा। वो सगे भैया हैं, सभी सगे हैं, सब अपने वो सगे हैं, जो बुरा करते वो सगे भैया हैं। वो तो वो वाले और ज्यादा भैया हैं, सभी हैं अच्छे सब लोग। देखिए ये उदारता है कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका उसका भी भला। यानी कि कहीं ना कहीं शकुंतला का कहना है कि चाहे अच्छा कमेंट करे चाहे बुरा कमेंट करे, मेरे लिए दोनों के दोनों पूजनीय हैं, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, मुझे कोई बुरा नहीं है क्योंकि वो भी हमारे दर्शकों में से एक हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमें प्यार दुलार दे रहे हैं किसी न किसी बहाने, चाहे बुरे तरीके से चाहे अच्छे तरीके से। तो आज हम फिर से शकुंतला जी के घर आए थे, शकुंतला कॉमेडियन के यहाँ, फिर से कभी आना जाना होगा तो इसी तरह आते जाते शकुंतला से हम बार बार आप लोगों की हमें मिलाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शकुंतला को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। हाँ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं आगे बहुत कुछ कर सकूँ। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।